दोस्तों, आज का वीडियो इसका मर्चेंटेवी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मर्चेंटेवी से लेना देना हो भी सकता है, क्योंकि हम जा रहे हैं राइड पे पावना लेक और यहाँ पे हमारे साथ है 3 मास्टर और 1 सुपरिटेंडेंट। देखते राइड कैसी होती है, लेकिन किसी भी राइड में जाने से पहले प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन में होता है बाइक वॉश, चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूब, पेट्रोल एंड टायर प्रेशर, ये सारी चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा आप चाहे तो बाइक को पॉलिश और ये सब कर सकते हैं, जिससे कि बाइक आपकी और अच्छी लगेगी। सो ये सारी प्रिपरेशन अभी मैं करूँगा और राइड हमारी स्टार्ट होगी खारगर से कल सुबह 6 बजे। वाओ, फाइनली वेट इज ओवर। आज है 17 जनवरी, जिसका काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था इस राइड को करने का, क्योंकि ये जो दोस्त हैं मेरे, काफ़ी ख़ास दोस्त हैं, हम लोग ने साथ में सेकंड मेट्स और तब से हमारी दोस्ती चल रही है। और ये मैं अब निकल रहा हूँ अपने घर से, अपनी बिल्डिंग से खारगर में। वेदर काफ़ी खूबसूरत और प्लेजेंट है, राइडिंग गियर के साथ बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही, बट बहुत ही कम्फर्टेबल है और आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं टाइम से पहुंच गया हूं, अबाउट 6 o'clock, कोई भी आया नहीं है और अब हम निकल रहे हैं यहां से खारगर के हाईवे से। नाइस लाइटिंग, ब्यूटीफुल वेदर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमने 6 o'clock का मीटिंग टाइम रखा था ये सोचकर कि कोई लेट आएगा तो 6:30 तक निकलेंगे, तब तक डे ब्रेक हो जाता है, मगर जैसे कि सब जहाजी हैं और सबके सब टाइम पे आ गए तो अभी भी अंधेरा है। मोस्ट प्रोबेबली हम बीच में एक ब्रेक लेंगे जस्ट टू किल सम टाइम सो दैट डे ब्रेक हो जाए। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि नाइट राइडिंग थोड़ी डेंजरस होती है, आगे से स्ट्रेट बीम आती है, काफ़ी लाइट्स आती है, कुछ दिखता नहीं है। ये गया मेरा दोस्त राजीव बुलेट में क्रॉस करके, और बाकी की 2 गाड़ियाँ हैं, निंजा 650 और डुकाटी स्क्रैम्बलर में अभिजीत, तीनों मेरे आगे जाते हुए। और अभी थोड़ी दूर पर आएगा रोडपाली का टोल नाका, यहाँ पे टोल नहीं लगता बट नाका बना रखा है, आई डोंट नो क्यों। और ये देखिए आ गया टोल नाका। राइड का आनंद ले रहे हैं ये लोग। आगे है पनवेल, वहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, वहाँ से हम पकड़ेंगे NH4 हाईवे जो कि जाता है पुणे की तरफ, बट हम जाएंगे पुणे के जस्ट पहले, वहाँ से हम एक राइट टर्न लेंगे जिससे कि हम पावना लेक पहुँच जाएंगे। अबे प्रांशु, उधर मत जा, ये अंदर वाले रोड पे जाना है, अंदर वाले रोड पे। अबे उधर मत जा। अबे यार वो गया गलत रोड पे गया वो। ये जो है ना, हाँ, रोड पे जो इन्होंने अनइवन कर रखा है, अरे डेंजरस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बाइक के लिए तो बहुत डेंजरस। अबे बाइक तो मतलब एकदम गिर ही जाएगी। अभी जो नया रूल है उसके साथ ये वाला तो बहुत खतरनाक चीज है। आपको आप बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पर दोस्तों ने राइड स्टॉप कर दिया, वो बोल रहे हैं कि रात को चलाने में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। देखो ना अभी अंधेरा है ना, पूरा लाइट नहीं हुआ अभी। हाँ बट इतना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली अगर आप सेफ स्पीड पे चलाओ तो काफ़ी अच्छा राइड है। बट मेरे दोस्तों को 120-150 पे भगाने की बहुत शौक है। इट्स नॉट अबाउट द स्पीड डूड, इट्स अबाउट द रोड्स में देखे गड्ढे कितने हैं, कितना खराब है और डेंजरस है। दूसरी लेन में एवरीबॉडी इज ऑन द हाई बीम, यू कांट सी द रोड, यू कांट सी द ब्लडी। आ जाओ अभी आईफोन का सेल्फी स्टिक वीडियो, सेल्फी स्टिक वीडियो, तू वीडियो में आ क्या रहा है? अब अबे सब कुछ आ रहा है बे, सेल्फी स्टिक वीडियो। दोस्तों हमारे ग्रुप में है 2 निंजा 650 जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है बुलेट और एक बाइक है डुकाटी स्क्रैम्बलर, येलो कलर की, काफ़ी खूबसूरत दिखती हुई। और ये लास्ट में है मेरी निंजा 650 विद 2 हेडलाइंस एंड सम बैगेज एट द बैक सीट, काफ़ी अच्छी लग रही है। क्या हुआ बे?
क्या हुआ? हाँ तो भाई भाड़े की बाइक में ये सब तो होता ही है। पैनर है क्या? पैनर नहीं अभी तो नहीं है, टूल किट है, लेकिन उसमें स्पैनर नहीं है ना, उसमें इसके टूल किट है खोलने वाले। अबे वो नहीं टाइट होगा बे, कौन अभी मुझे ये पूरा निकालना पड़ेगा, बैग निकालूंगा, ये निकालूंगा, टूल किट निकालूंगा, उसमें स्पैनर है भी नहीं, क्योंकि उसमें स्पैनर इस बाइक में जो साइज के स्क्रूज है ना सिर्फ उसके लिए है। तो वो लिमिट सेम बाइक है ना? नहीं अबे बाइक सेम है बट ये देख रहा है ये स्टॉक है, वो रेट्रोफिट है वो। और दोस्तों ब्रेक हो गया है खत्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी उजाला हो गया है, अब व्यू काफी अच्छा मिलेगा। और क्योंकि वीकडे है तो रोड भी काफ़ी खाली है, हम जो भी रेस्टोरेंट में जाएंगे लंच करने या ब्रेकफास्ट करने सब जगह में खाली मिलेगा, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी रीज़न से मुझे वीकडे में राइड करना काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर कामत रेस्टोरेंट में, ये लोनावाला में है। जैसे ही हम एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेते हैं ये रेस्टोरेंट सामने ही आता है, इसको काफ़ी बाइकर्स प्रेफर करते हैं, इसे बाइकर पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बहुत सेफ है और काफ़ी खुली खुली है, एंड इनफैक्ट ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं राजीव, मैं और अभिजीत, और हम इंतज़ार करेंगे अब प्रांशु का। वीडियो निकाल रहा हूँ, वीडियो फोटो का क्या करने का। हाँ फोटो ले, फोटो बराबर ले, क्या लग रहा है? ये ले अरे सही आ रहा है यार, सुपर। तेरे पास जीपीएस कैसे नहीं है? तेरे फोन में नहीं है गूगल? मैं अपने बैटरी वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे को व्लॉगिंग के लिए चाहिए, लगाना इसमें तेरे पास। हाँ लेकिन मैं सबसे आगे नहीं रहूंगा, मैं सबसे पीछे रहूंगा, उसके लिए बोल रहा हूँ। तू आगे रहना सबसे, नहीं इसको फॉलो करेंगे। अबे सुन, अगर कोई भी आगे रहो ना, टर्न कोई भी आता तो रुक जाओ। नीचे, अबे पहले ऊपर, वो ऊपर जाएंगे या नीचे भी जा सकते? अबे चेक करके आगे अच्छा होएगा। अबे क्या ऑफ रोड है ये रोड है? नंबर गोप्रो पकड़ते समय लेफ्ट हैंड से पकड़ो और राइट हैंड से फोटो खींचो, ऑलवेज रिमेम्बर। अभी तो सुन, फोटोग्राफी का कोर्स करना पड़ेगा, जिसने भी खींची है
ये लग रहा है नासा का साइंटिस्ट है तो अच्छा लग रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या फोटो खींचे? व्हाट इज दिस मैन? मतलब खींचने वाले के मतलब इतने हेलमेट पहना हुआ है तो कोई कैसे भी खींचेगा तो वैसे ही लगेगा ना। अब क्या शक्ल थोड़ी चेंज कर देगा। रिमेंबर फोटो खींचने से पहले हेलमेट निकाला करो, ऑलवेज रिमेंबर। बाल बनाया करो, गॉगल पहना करो। हां गॉगल पहना करो। आप यहां पे क्या कर रहे हो पावर वाले के? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे सिखा रहा हूं। अरे माय गॉड, क्या होगा? अरे ये क्या है? ये डेड कैट है, डेड कैट। तेरा 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 सुरूर। अभी आवाज आएगी? अभी ऐसे हवा मारेंगे तो ये नहीं रिकॉर्ड हुआ। नहीं हुआ रिकॉर्ड, ये नहीं रिकॉर्ड। अबे जब वो डेड कैट है हवा रिकॉर्ड ही नहीं करता। अबे मरी हुई बिल्ली बियर लेके आना दोस्त। अगर बियर शॉप नजदीक है तो मैं चला जाऊंगा। नजदीक है, दो लोग जाओ ना बुलेट पे। अरे बुलेट पे दो लोग क्यों जाएंगे? स्क्रैम्बलर पे जाओ, स्क्रैम्बलर फंस जाती है मिट्टी में। क्या बात कर रहा है, ऑफ रोडिंग बाइक स्क्रैम्बलर है और वही फंस जाती है। Yeah, but we just saw it. Scrambler driver या कोई भी नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ। Look at the view, Pawna Lake, superb view, all around. अबे नजदीक से ले, इतने दूर से तो यार। चल ना लेक में तो चले, Pawna Lake में तो चलेंगे। चल यार लेक में चल। इसके ऊपर 10 कमेंट आ जाएंगे। सुनील the sailor is gonna try new bike. हेलमेट पहना, हेलमेट भी पहना। सीट पे रखेगा तो कुछ नहीं होगा। अगर स्टार्ट बटन। लोकेशन Pawna Lake। बच गया। राइट में ये। हाँ। न्यूट्रल में है ना गाड़ी? हाँ। न्यूट्रल में है ना? न्यूट्रल में है तो फिर बिना क्लच के चल, स्टार्ट कर। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा रहा। सॉरी दोस्तों, ये देखो अभिजीत सूद, ही इज मास्टर विद फ्लीट मैनेजमेंट। ही इज टेकिंग अ टेस्ट राइड ऑन स्क्रैम्बलर, आफ्टर राइडिंग स्क्रैम्बलर ऑल द वे फ्रॉम खारगर टू Pawna Lake। लेट्स सी हाउ ही डस। ओके स्टार्ट। सी नाउ ऑलरेडी सुपरिटेंडेंट इज मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट गोइंग एंड गेटिंग सम बियर फॉर अस। बियर नहीं मिला ना तो पानी, कोल्ड ड्रिंक ऐसा कुछ ले आना, कुछ वेफर्स फिर निकलेंगे यहाँ से। सुन मेरे को चाहिए हाइनिकन ना, मैं खाली हाइनिकन पीता हूँ एकदम ठंडी। सुनील कितने प्रेफरेंसेस कब से होने लगे भाई? खाली हाइनिकन पीता हूँ, खाली ओल्ड मॉन्क पीता हूँ। नहीं जब से ये गॉगल पहना ना मैंने नॉर्डन का, मेरे को ऐसा फीलिंग आ गया कि मैं हाइनिकन ही पीऊंगा। नहीं मैं पिलियन को बिल्कुल नहीं गिराऊंगा, मैं खुद गिर जाऊंगा लेकिन उसे गिरने नहीं दूंगा। साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन ब्रेक योरसेल्फ बट डोंट ब्रेक माय हाइनिकन। आइए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं Pawna Lake और थोड़ा बेटर तरीके से। ये देखिए मेरे पीछे काफी अच्छा माउंटेन और रिसॉर्ट्स और सनलाइट आ रही है इतनी मस्त, एकदम नाइस डैम। वाओ यार यहाँ तो दिख, डॉगी भी आ गया हमारे पीछे पीछे, उसको लग रहा है कुछ मिलेगा खाने के लिए। अबे तो वहाँ पर कौन देखेगा? Who is keeping eye on our stuff? This is wrong, man. Doggy has can see behind also maybe. Doggy has what? Doggy has sense ना, he can smell if somebody is coming. मेरी माँ से अच्छी बात है। ये ले अच्छी सेल्फी आ गई, ये रे वीडियो। ओह क्या व्यू है यार पानी। दोस्तों आए थे यहाँ, कौन सा बीच है भैया, कौन सा बीच है? अबे ये जगह कौन सी है? Pawna Lake आए थे हम लोग यहाँ मजे करने, लेकिन आप जानते हैं कि ये देखिए ये तीन मास्टर्स हैं, ये सेलिंग मास्टर्स हैं, इनका दिमाग एकदम सही है, ये बराबर से बाइक को बंद करते हैं। लेकिन ये जो इंसान है इन्होंने बाइक ऑन करके छोड़ दी, सिर्फ किल स्विच दबाया और हेडलाइट ऑन थी, उससे क्या हुआ कि बैटरी ड्रेन हो गई, बाइक बंद हो गई। अच्छा ये भी बताओ कि गाड़ी कौन से बैटरी से? बुलेट की बैटरी से गाड़ी स्टार्ट हुई। अगर आप हमने ट्राई किया कि निंजा से निंजा की बैटरी से स्टार्ट करें बट नहीं चालू हुई, फाइनली हमने बुलेट की बैटरी लगाई और बुलेट की बैटरी से गाड़ी चालू हुई है। तो ये आपको क्या, ये क्या सीख देती है आपको गाड़ी? ये सीख देती है कि कभी भी आप राइड्स पे जाओ अगर अननोन ऐसे क्वाइट सी जगह पे जाओ हमेशा साथ में रखो। हां वाट लगा देते हैं। और